राम राम नमस्कार देवेंद्र। झांसी के अंदर कल 11 तारीख 11 जुलाई को झांसी के अंदर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं आशीष गुप्ता जी, विजयगढ़ के रहने वाले हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम झांसी के कचहरी चौराहे पर गांधी उत्थान में करवाए जा रहे हैं। गुप्ता साहब बता दें आपको, इतना अच्छा कार्यक्रम कि आज के समय में इतनी महंगाई में लोग बाग मोड़ी मोड़ा पैदा करके छोड़ दे, फिर बाद में पछतावे हो, क्यों? कोई निरंतर ऐसी खबर आप देख रहे हो कि मोड़ा बाप को नहीं छोड़ रहा, मोड़ा बहन लोग बहन को नहीं छोड़ रहा, इतनी हो रही कि मोड़ा बाप को मार डाल रहा। कुल मिलाकर जाके ला कानून बनना चाहिए कि आकर कोई भी व्यक्ति को संसार के अंदर दो बच्चों के अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक नया कानून बनावे के लाग आशीष गुप्ता साहब मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, क्योंकि कल 11 तारीख को जनसंख्या नियंत्रण दिवस है। जनसंख्या नियंत्रण दिवस है, इसके लिए एक जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना चाहिए, जिस तरीके से मोड़ी मोड़ा आजकल के लोग ज्यादा पैदा कर रहे हैं। गुप्ता जी कैसे ख्याल आओ, क्योंकि जब पहले आप नहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पहले भी चला रहे थे। सबसे पहले तो राम राम, और आपके चैनल के माध्यम से जो आपको चैनल जो देख रहे हैं सबको बहुत बहुत राम राम। और सबसे पहले तो ये तो 10 साल से संगठन चल रहा है, और आदरणीय हमारे इंद्रेश जी हैं जो आरएसएस के बहुत बड़े अधिकारी हैं, सह संचालक में उनका नाम आता है जी, तो वो लगभग 10 साल से इस पर काम कर रहे हैं। और बहुत समय से अपन लोग जो टीवियों में देखते थे पहले कि माननीय कई मंत्री मिनिस्टर ऐसा दिखाते थे कि ये होना चाहिए, तो ये पहल उनकी ही है, ये पहल माननीय इंद्रेश जी की ही पहल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी की देख। और कई बार उन्होंने आमरण अनशन किया है, 10-10 दिन का अनशन दिया है, जंतर मंतर पर अनशन दिया है, तो ये तो कोई नई चीज नहीं है अपने लिए। पता ही झांसी में तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि सबसे अनुरोध है कि आप लोग भी घर से बाहर निकले, अगर आप भी इच्छुक हो कि परिवार के अंदर दो बच्चा होना चाहिए, जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, बाकी अलावा भी इतनी घटनाएं घटित हैं कि आप कहीं छुपी नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर मोड़ा बाप को मर्डर कर रहा हो, मोड़ा मताई को मर्डर कर रहा हो, हत्या कर रहे हो, जाके ला कानून बनना चाहिए, क्योंकि दो बच्चा सुखी परिवार, क्योंकि एक मुहिम चलाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम दो हमारे दो। गुप्ता जी कल कैसो का कार्यक्रम है, वो कल ही जना क्या कर रहा है, कोई कल वो कल विश्व जनसंख्या दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, और मांग लगभग लास्ट स्टेज पर हम लोगों की जो अभी माननीय हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय गृह मंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात हुई है, और सभी का आश्वासन है कि बहुत जल्दी, सब चिंतित हैं इस विषय पर, चिंतित सभी हैं, क्योंकि सरकार के पास सबसे बड़ा संकट है रोजगार का, रोजगार भी दे ही नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे, ठीक है, रोजगार कैसे दे, अगर ये घर में 8-8 बच्चा हुई है तो 8-8 आदमी को रोजगार कैसे दे सकता, तो सबसे बड़ी आज की तारीख में सरकार के पास सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो रोजगार खत्म होगा, सब बिक गए, आप भी जाना, ट्रेन बिक गई, रेल बिक गई, बीएसएनएल बिक गए, सब बिक गए इसी मामले को लेकर, क्योंकि आजकल जो काम 7-8 हजार रुपया में हो रहा वो काम 26 हजार में कैसे दे पाए सरकार, वास्तविकता यही है, मोड़ी मोड़ा ज्यादा हुई है, सरकार कैसे रोजगार दे, रोजगार नहीं मिले, चोरी चकारी करें, आपको सब मालूम। गुप्ता जी हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आखिरकार जो कल कार्यक्रम हो जाए, आपको जागरूक कर दो लोगों को, मीडिया के माध्यम से जागरूक हो जाए, आशा आपसे जो कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम हफ्ता या महीना भर में एक मीटिंग और हर महीने चलन दो, हम लोग मीटिंग करते हैं और किसी मंदिर पे हम लोग मीटिंग करते हैं, और कोशिश ऐसी करते हैं कि मंगलवार को ये काम, मंगलवार को क्या होता है कि हम लोग सब हिंदू भाई इकट्ठे होकर एक हनुमान चालीसा का आयोजन करते हैं, जिससे एक धर्म का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, और जब आदमी धर्म से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में अच्छे ख्याल आते हैं, और उसको लगता है कि हम देश हित में भी कुछ काम करें। अच्छा संगठन के माध्यम से कितने लोग जुड़े और जो आवाज उठा रहे हैं आप लोग, कितने? इसमें हजारों लोग जुड़े हैं, आप देखना झांसी में भी हजारों लोग की भीड़ रहेगी, इसमें जुड़े तो लाखों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं झांसी में, झांसी में हजारों की भीड़ आप कल देखने वाले हैं, आप हजारों की भीड़ आपको देखने को मिले। अच्छा और का जनता से अपील है कि कल भी यहाँ और हमेशा आपके कार्यक्रम में यहाँ रोक, कार्यक्रम तो अनवरत अब चलते ही रहेंगे, अभी हमको तो 2 महीने हुए हैं जिलाध्यक्ष बने, तो बाकी मीटिंग चलती रहेंगी, इसमें कल हमारी सभी लोगों से, सभी वर्गों के लोगों से, सभी जाति के लोगों से हमारा एक अनुरोध है, निवेदन है कि कल विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर गांधी उद्यान में बड़ी से बड़ी संख्या में आए, जिससे शासन प्रशासन को भी लगना चाहिए कि हम जो मांग कर रहे हैं वो जायज कर रहे हैं या कोई गलत मांग कर रहे हैं। सही बात है, ये हम तो बस देश हित में मांग रहे हैं, देश हित में, राष्ट्र हित में, और अपने देश के लिए कुछ करना है तो अपन को निकलना पड़ेगा, ये कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है कि हम राजनीति के लिए जुड़े हैं, हम तो केवल एक देश हित में और समाज हित में ये काम कर रहे हैं,
और इसी की सेवा में। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के एक और पदाधिकारी साहब ने सबका नाम आपको जाबाज भाई एसआरटी का क्या वो है एसआरटी से आप का और जो अच्छी पहल कर रहे हैं ये जो जनसंख्या शहर में ज्यादा उसका गांव में भी हो रही ये तो पूरे देश में हो रही है अभी हाँ। कुछ पूर्व दिन की घटना है औरैया की घटना है हाँ। जिसके 3 बच्चे हैं उस माँ की थोड़ी सी गलती है उसका पति नहीं था तो 3 बच्चे थे भरण पोषण नहीं कर पा रही थी इसी कारण तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अगर उसके कोई घर में कन्ने वाला हो तो 3 बच्चों को नहीं पाल पा रही तो हमारे देश में रोजगार की बड़ी विकराल समस्या है। तो इसलिए पूरा संगठन ही पूरे देश में लागू है पूरा संगठन पूरे देश में हम चाह रहे हैं कि कल बहुत पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा हर जिले हर मुख्यालय पे होगा। ये किसी समुदाय किसी धर्म का नहीं है ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है ये सभी जाति के लिए है सभी धर्म के लिए है। तो हमारी आप सभी से आग्रह है कि 11 तारीख को कल आए और इस धरना मैं सफल बनाए। अच्छा अध्यक्ष जी लास्ट सवाल कर रहे हैं जिला अध्यक्ष जी जनसंख्या नियंत्रण कानून की आप मांग कर रहे हैं जाके मांग के लाग ऐसी का सशक्तिकरण हुई है जो लोग बाग बाज आए नहीं इसके लिए तो अपन मांग कर रहे हैं और इसके लिए कड़े कानून सरकार ने हमारे जो हम अभी कलम कानून के अंदर ऐसी कौन सी व्यथा की जो लोग बाग नहीं मान रहे 3-4 मोड़ी मोड़ा कर रहे हैं उनके लिए कानून बन जाए तो ये कानून बिल्कुल कानून बनेगा। सबसे पहले वोट नहीं डाल पाएंगे नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो निःशुल्क मिलती है वो भी बंद कर दिए जाए शिक्षा जो निःशुल्क मिलती है वो भी बंद कर दिया जाए इस तरीके के मतलब कड़े अंकुश लगाए जाएं कि जिससे आदमी को लगे कि और एक जागरूक अभियान चलाया जाएगा सरकार का। जागरूकता भी जरूरी है अभी लोगों को जानकारी नहीं है वो कहते हैं कि भैया हम क्यों कम करें हमारे पास तो बहुत जमीन जायदाद है। सही बात है तो जमीन जायदाद आपके पास है आप तो अपना घर आप बड़े आदमी हो तो आप तो पाल लोगे जिसके घर में जो छोटा 5-6 बीघा जमीन है और उसके अगर 5-6 बच्चे हैं तो 1-1 बीघा जमीन होगी ऐसी वो कौन सी खेती करेगा कि जिससे वो 5 अपने बच्चे पाल लेगा। सही बात है पाले नहीं पे वो जब पाल नहीं पे तो बेरोजगारी हुई है तो क्राइम भी हुई है। आज सरकार अगर इस नियम को लागू करती है तो क्राइम में 80-50% क्राइम कम हो जाएगा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सरकार को ना कोई पुलिस प्रशासन को बहुत ज्यादा वो करनी है केवल इस नियम को वो लागू कर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाएगा तो क्राइम 50% क्राइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सही बात है भैया बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आशीष गुप्ता जी को जिन्होंने संक्षेप में बताया कि आखिरकार यह कानून तो बनकर रहेगा और बनना भी चाहिए इस कानून के लिए हम भी सार्थक हैं हम भी आशा करते हैं विश्वास करते हैं कल कंधे से कंधा मिलाकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वाधान में कचहरी चौराहे के गांधी उत्थान में पधारें और इस आवाज को बुलंद करें कि मोड़ी मोड़ा सिर्फ दो ही होना चाहिए चाहे मोड़ी हो चाहे मोड़ा हो। जिस तरीके संसार के अंदर आग लगी है लोग बाग बाज नहीं आ रहे मोड़ी मोड़ा इतने बाहियात निकल रहे की इतने नशाबाजी चलने लगे कि बेलोग नशा के धुन में बाप को परसों की देखी हुई ये घटना आपने एक लड़का ने बेचारे ने बाप को मारा रो और सलाखों के पीछे ऐसे अनेक मामला अभी हमारे बीच में साठी से भैया जी ने बताई कोई मिला के कल अध्यक्ष से देखा समय बता दो कितने बजे कल सुबह 10:30 बजे से हम लोग इकट्ठे होंगे और अभी तो सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं बहुत शांतिप्रिय ढंग से मांग कर रहे हैं और हमको लगता है सरकार हमारी बात मानेगी क्योंकि हम बहुत अच्छी मांग कर रहे हैं हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं और यदि सरकार नहीं मानती है तो आने वाले जो अपने जनप्रतिनिधि है इनका घेराव करेंगे विधायकों का घेराव करेंगे सांसदों का घेराव करेंगे। सही बात और हमारे पास तो 125 से अधिक सांसदों का हमारे पास मतलब वो मिला है हम लोगों को समर्थन मिला है। अच्छा हाँ 125 से अधिक सांसदों का समर्थन मिला है हमको। हम भी चाहेंगे कि बबीना विधानसभा के विधायक मऊरानीपुर विधानसभा के विधायक झांसी सदर के विधायक घरौठा के विधायक ऐसे कार्यक्रम में आना चाहिए वास्तविकता आवाज उठाना चाहिए क्योंकि इतनी महंगाई है चरम सीमा पर रोजगार ठप है बहुत बेरोजगारी है तो वास्तविकता आशीष गुप्ता जी बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं आप कि हम दो हमारे दो तो कल आशा है विश्वास है कि 11 बजे गांधी उत्थान में आए अपनी आवाज को बुलंद करें और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद नमस्कार।